जी क्या हाल चाल? बढ़िया सब यार। आपने बचपन में बुढ़िया के बाल जरूर खाए होंगे। बुढ़िया के बाल ये क्या होता है? अगर आप मेरे एरिया के आसपास रहते हो तो आपको पता होगा बुढ़िया के बाल क्या होते हैं। अब अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम है। कोई कॉटन कैंडी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी, मुझे भी पता चलेगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। अब ये होता है बुढ़िया के बाल जो हमारे यहाँ बोलते हैं, इसको कॉटन कैंडी भी बोलते हैं। अब ये आता है 5 रुपये का, पहले आता था 1 रुपये का, 2 रुपये का, गली में ऐसे साइकिल पे आता था, उसके पीछे पूरा सेटअप होता था, चीनी डाली, गरम हुई, वो ऐसे घूमता था और पूरी कॉटन कैंडी बुढ़िया के बाल तैयार हो जाते थे। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अब इसमें होता क्या, चीनी होती है, उसको गरम करते हैं, उसमें थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं, जो है ना ये पिंक कलर जो है, पिंक हो, रेड हो, येलो, अब तो बहुत सारे कलर में आने लगी ये कलर की वजह से। वरना इसमें अगर नॉर्मल बनाएंगे तो ये हल्की सी येलो स्टोन आएगी इसकी, क्योंकि जब चीनी गर्म होती है उसको गर्म ऐसी कटोरी सी रहती है, उसमें घुमाते हैं। मैंने बनाया भी था, एक वीडियो बनाई थी कि मैंने ये कॉटन कैंडी, ये बुढ़िया के बाल आप घर पे कैसे बना सकते हैं। अगर वो नहीं देखा तो देख लेना, आप घर पे खुद बना लोगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब वो गर्म होती है चीनी, चीनी गर्म होने के बाद वो घूमती है कटोरी, कटोरी में वो छोटे छोटे छेद होते हैं। अब वो चीनी जब गर्म होगी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अब लिक्विड जब ऐसे जाएगा, छेद से बाहर निकलेगा, पर स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो लिक्विड ऐसे फैल जाता है। अब छोटे छोटे स्टैंड बन जाते हैं, फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कण टुकड़ों में फैल जाती है और ये बन जाती है, जैसे रूई होती है ना, बिल्कुल वैसी है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आपने ये कॉटन कैंडी, बुढ़िया के बाल या जो भी आप बोलते हो, ये खाई ज़रूर होगी, बट खाई तो है आपने, पर आपको ये पता है कि ये कितनी ज़्यादा पानी में घुल सकती है? मतलब एक पैकेट, दो पैकेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100 पैकेट एक छोटे से कटोरे में घुल जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, घुलेंगे या नहीं? अब मैं बताता हूँ, ये घुल जाएंगे, बट ये कैसे घुलेंगे ये बताऊँगा मैं वीडियो के एंड में। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लेंगे कि ये देखो एक नन्ना सा, ज़्यादा बड़ा कटोरा नहीं है, छोटा ही कटोरा है। इस कटोरे को लेंगे, इसमें भरेंगे पानी, तो देखो इतना पानी है, कटोरा भी हमने ऊपर तक फिल नहीं करा है। अब इसमें डालने वाले हम ये पैकेट, कितने, 100 पैकेट इसमें आ जाएंगे। क्या लग रहा है, अगर एक पैकेट डालो तो देखो ये ऊपर आ गया। अब हम 100 पैकेट पहले यहाँ पे इकट्ठे करते हैं, फिर देखते हैं ऐसा हो पाएगा या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 सारे, तो टोटल हमारे पास 100 पैकेट है। अब देखते हैं 100 के 100 इस छोटे से बाउल में आएंगे या नहीं। आपको क्या लग रहा है इस टाइम पे, मतलब इतने सारे पैकेट और बाउल इतना छोटा सा, आ जाएंगे सारे? क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। इसी मोमेंट पे वीडियो पॉज कर दो और यहीं पे बताओ कि आपको क्या लग रहा है, सारे आएंगे हाँ या ना। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये आया पहला, बहुत टेस्टी लगता है। अब देखने क्या होता है, गायब। तो ये लास्ट कॉटन कैंडी है और ये भी इसके अंदर घुल गई भाई। 100 कैंडी 100 कॉटन कैंडी 100 बुढ़िया के बाल इसमें जा चुके हैं। मतलब ये कटोरा था पानी का। अब हुआ क्या, जब भरने लगा तो इसमें सॉलिड आ गया। जब घुल रही थे तो ये यहाँ से बढ़ते यहाँ आ गया, आपने देखा होगा। अब जब बिखरना शुरू हुआ तो ये सारा बिखर के हमने बड़ा कटोरा ले लिया, बट जो पानी था वो पानी उतना ही था। उतने ही पानी में 100 पैकेट घुलना भाई मजाक नहीं होता। 100 पैकेट इसमें घुल गए हैं। मतलब अब ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है। अब कोई कोई कॉटन कैंडी जो थी, जो वो थे बुढ़िया के बाल, जो मैं बुढ़िया के बाल ही बोलूँगा, मुझे बड़ा सही लगता है क्योंकि बचपन से वही सुना है। अब वो बहुत ज़्यादा जो टाइट होते ना, एकदम शुगर जो बन चुके थे, बहुत ज़्यादा कंप्रेस थे, वो नीचे जाके जम चुके हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये रही, तो ये रही वो शुगर
जो नीचे जाके जम चुकी है, अभी इसके अंदर भी होगी। तो इसका टेस्ट करते हैं कैसी है। प्योर शुगर का टेस्ट है, शुगर के अलावा कोई फ्लेवर नहीं इसमें, बस कलर है और थोड़ा सा जले हुए का टेस्ट आ रहा है। अच्छा, चीनी जल जाती है ना, जो टेस्ट तब आता है वही वाला टेस्ट है। क्योंकि जब मैंने बताया था आपको, जब कॉटन कैंडी बनती है, बुढ़िया के बाल बनते हैं, तो गर्म होती है, गर्म होने के बाद फैलती है, जब गर्म होगी तो थोड़ी जलेगी भी, तो हल्का सा वो जले हुए का टेस्ट आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें तो कम था बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी कितना थिक हो चुका है देखो। अब अगर आपको पता हो कि अगर आपके घर में कभी रसगुल्ले वगैरह बने हैं तो आपको पता होगा जब चाशनी बनती है तो चाशनी बनती है तार की, कितने तार की है, इस तरीके से कुछ बनता है। अब तार कौन सा होता है, चाशनी लिए ऐसे हाथ में और उसके बाद ऐसे चेक करते हैं ये कितने तार हैं, ये ऐसे तार खींचते हैं उसमें। इसमें इतने ज़्यादा खींच नहीं रहे, मे बी कलर की वजह से या जो भी है, या इसमें चीनी और ज़्यादा डलेगी। अब इसमें मुझे लग रहा है कॉटन कैंडी और भी ज़्यादा आ सकती थी, बट हम सोई लेके आए थे। देखो इसमें तार नहीं बन रहे, तार बन नहीं रहे, बट ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, आपको पता चल रहा होगा इसका टेक्सचर से। देखो जब मैं इसको हिलाता हूँ ना, पानी ऐसा बिल्कुल नहीं करता, पानी अलग चलता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है। और ये रहे वो सॉलिड पीस जिनके बारे में बात कर रहा था, देखो उंगली निकालने के बाद ये रहा, ऐसे ऐसे सॉलिड पीस इसमें थोड़े बहुत अंदर आए हैं। पूरा निकालने के बाद अगर मैं इसमें निकालूँ सॉलिड है कितने, तो ये वो सॉलिड आए हैं। बट इसमें कलर बहुत ज़्यादा डाला हुआ है यार, कॉटन कैंडी में बहुत ज़्यादा कलर है, दुनिया भर का इन्होंने कलर डाला हुआ है। अब एक बार इसको भी टेस्ट करके बताऊँ कि कैसा लग रहा है ये। ओए होए, बहुत ज़्यादा चिपचिपा है देखो। अब मैं इसको यहाँ से छुटाऊंगा ना, तो यहाँ से मुझे फोर्स लगानी पड़ रही है, आवाज़ भी आएगी। देखो देखा, आवाज़ आ रही है, तो बहुत चिपक चुका है। बहुत ही अजीब टेस्ट है, मतलब हल्का सा एक इतना सा फ्लेवर आ रहा है कॉटन कैंडी का, बाकी सब बिल्कुल ऐसे जली हुई चीनी का टेस्ट आ रहा है और कलर से मतलब बिल्कुल अजीब हो चुका है। किसी ने सोचा नहीं था कि कॉटन कैंडी ऐसा टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट तो छोड़ो, मतलब आपको भी शुरू में लग रहा होगा कि सो कॉटन कैंडी इतने से पानी में, मतलब अब तो बाल बड़ा हो गया, इतने पानी में जा सकती है, मतलब मुझे भी यकीन नहीं था ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। अब जो शुगर होती है, शुगर होती है हाइग्रोस्कोपिक, मतलब शुगर को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, शुगर को पानी से प्यार है, बहुत एकदम सच्चा वाला प्यार है। अब आपने चीनी को अगर बाहर रख दिया, जैसे बरसात का मौसम होता है तो हवा में ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी होती है। अब चीनी जो बाहर रहेगी वो ऐसे सील जाती है, चिपक जाती है, आपस में गांठ बन जाती है। अब ये आपने बॉर्नविटा, अपना कॉम्प्लेन वगैरह जो भी चीज़ होती है जिनमें भी शुगर है, उनमें देखा होगा ऐसे गांठ बन जाती है, टाइट हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। अब जो शुगर है, चीनी अगर बाहर रखी तो उसमें गांठ बन जाएगी, चिपक जाएगी। अब यहाँ पर भी शुगर है तो पसीने बहुत आ रहे हैं यार, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात हो रही है, गर्मी लग रही है, लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर पे चल रही है लाइटें, तो एसी पंखे वगैरह सभी सब बंद है, पंखे की आवाज़ आएगी, तो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं यार, हल्की सी आप भी कर दो, हल्का सा चैनल सब्सक्राइब कर दो, हल्का सा नहीं मतलब चैनल तो पूरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये था आज की वीडियो का जादू, जादू नहीं है इसके पीछे साइंस है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो में आया हो मज़ा तो वीडियो करना लाइक, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब करने वाले हो ना, तो अभी कर दो, बिल्कुल एकदम से क्लिक कर दो सब्सक्राइब पे। अब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, और ये मेहनत लगातार चलती रहेगी, तो तब तक के लिए बाय बाय।